वेलकम टू खालसा लिटल फ्लावर स्कूल लर्न फ्रॉम होम प्रोग्राम। हेलो डियर किड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर मैथ्स वर्कशीट। दिस वर्कशीट इज फॉर प्रैक्टिस ओनली। सर्च टाइप ऑफ सम्स विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ये आपके लिए क्या है, सिर्फ एक प्रैक्टिस वर्कशीट है कि इस तरह के सम्स आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट का ऑप्शन क्या होता है, मतलब क्या होता है, MCQ जो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर मिरर हाउस। इसमें से कौन सा जो लेटर है जिसको हम डिवाइड करेंगे तो वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो अगर मैं पी को डिवाइड करती हूँ तो होता है, नहीं होता है। एल को करती हूँ तो भी नहीं होता है। जेड को करती हूँ तो भी नहीं होता है। बट अगर मैं सी को करती हूँ तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी। 8+50+700 इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, 750+8 तो 758, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। डैश इज द स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर फॉर्म बाय द डिजिट 4, 7 and 8। देखो, जब भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ओके। और अगर बिगेस्ट बोला तो हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4, उसके बाद 7 और उसके बाद 8, तो कौन सा आंसर सही हुआ, ए वाला ऑप्शन। फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू, ये फेस नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लेस ऑफ विल बी द सेम इन द डैश प्लेस। तो फेस वैल्यू तो वही की वही रहती है और प्लेस वैल्यू कब वही की वही रहती है, वंस के प्लेस पे, राइट। तो यहाँ पे आंसर आएगा वंस। 67-57, तो वंस पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो 7 में से 7 गया 0। 10 के प्लेस पे 6 है और यहाँ पे 10 के प्लेस पे 5 है, तो 6-5, 1, तो ऑप्शन नंबर ए। 15 added 258 gives, अगर हम 58 में 15 को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, तो हम क्या करेंगे, 58 में 15 को प्लस करेंगे, 8+5 तो कितना हुआ, 13, 3 और कैरी 1, 1+5 6 और 6+1 7, तो आंसर आ जाएगा हमारा 73। नंबर 7, अ सेंचुरी प्लस अ डजन एंड प्लस अ पेयर। तो सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100, डजन का मीनिंग क्या होता है, 12, और पेयर में कितने होते हैं, 2। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो 12+2 14, 14+100 114, ऑप्शन नंबर बी। अ नोटबुक हैज अ डैश कॉर्नर्स, तो कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स, ओके। नंबर 9, किलोमीटर मीटर एंड सेंटीमीटर आर द यूनिट्स ऑफ। अब किलोमीटर मीटर और सेंटीमीटर से क्या मापा जाता है, लेंथ मापा जाता है, ओके। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 739 and 492, जब डिफरेंस वर्ड आता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हम क्या करेंगे, 739 में से 498 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9-8 1, 3 में से 9 नहीं जाएगा तो 3 का क्या हो जाएगा, 13 एंड 7 का 6, 13-9 4 एंड 6-4 2, तो ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स द प्लेस वैल्यू 5 इन द 598। तब देखो 5 किसके प्लेस पे है, 100 के प्लेस पे, तो 500। द स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर 100। 48 added to 4 gives, तो 48 में 4 ऐड करेंगे तो 49, 50, 51, 52। 43+34, तो वंस को वंस के प्लेस से करते, 3+4 7 एंड 4+3 7। हाफ ऑफ 100, तो 100 का हाफ कितना हुआ, 50 एंड हाफ ऑफ 200, तो 100 एंड 100+50 150। 5 meter and 74 centimeter, तो देखो 5 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर हुआ, 500 सेंटीमीटर प्लस 74, तो क्या हो जाएगा, 574 सेंटीमीटर। अ डैश हैज़ 4 इक्वल साइड्स, तो किसके होते हैं, स्क्वायर के। अपोजिट साइड्स ऑफ अ डैश आर इक्वल, तो रेक्टेंगल।
800 माइनस 300 तो कितना हो जाएगा 0 0 और 8 माइनस 3 5। 10 नोट्स ऑफ 10 यानी 10 रुपीस की 10 नोट्स, तो 10 10 100। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन वर्ड्स 168। तो ये तो आपको आता है लिखना 168। 503 तो 503। 645 सो ऐसा ही 645। 191 तो 191। 753 तो 753। राइट इन फिगर्स, अब वर्ड से हमें किसमें लिखना है, फिगर्स में 652 तो 652। 707 तो 707। 989 तो 100 के प्लेस का 9 और 89 का 89। 467 तो 467। 379 379 79। नाउ राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। अब देखो यहाँ पे 3 किसके प्लेस पे है, 100, तो 3 की प्लेस वैल्यू 300। 8 किसके प्लेस पे, 10 के प्लेस पे, तो 8 10 80 एंड 9 1 9। 700 के प्लेस पे तो 700। 4 10 40 एंड 3 1 3। 4 into 100 400। 0 into 10 0 एंड 6 into 1 6। नाउ राइट द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ईच अबेकस। तो अब देखो यहाँ पे 100 के प्लेस पे कितने हैं बीड्स है, 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2, तो क्या नंबर बना 432। यहाँ पे 1 2 1 2 3 एंड 1 तो 231। देन हियर 2 0 हियर 1 तो 201। नाउ ई राइट प्रेसिडिंग एंड सक्सीडिंग एंड द मिडल नंबर। प्रेसिडिंग नंबर का मतलब क्या होता है, बिफोर नंबर्स, राइट। सक्सीडिंग मिडल नंबर मतलब बिटवीन नंबर एंड सक्सेसर मतलब आफ्टर नंबर। तो 500 के पहले क्या नंबर आता है, 5 के पहले 4 और 100 के पहले 99 तो 499। 310 तो 300 का 3 और 10 के पहले 9। 950 तो 950 के पहले 49। 297 तो 200 का 2 और 97 के पहले 6 96। 980 के पहले क्या आता है, 79 तो 979। नाउ 275 तो 276। 289 के बाद 90। 906 के बाद 907। 357 के बाद 358। 817 के बाद 880। अगेन 604 के बाद 605। 564 के बाद 565। 790 810 एंड 991। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डू एज डायरेक्टेड। उसमें हमें ए में क्या करने को बोला है, ड्रॉ द मिरर हाफ ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है आपको उसी तरह से इसका हाफ और ड्रॉ करना है, इसी तरह से आपको स्टार का भी ड्रॉ करना है। ओके, नाउ इन बी ड्रॉ अ डॉटेड लाइन टू डिवाइड द ईच पिक्चर्स इनटू टू सिमिलर हाउस। अब आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आपको कैसी लाइन ड्रॉ करनी है, डॉटेड लाइन। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे डॉट डॉट करके इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ओके, नाउ काउंट एंड राइट। यहाँ पे देखो 100 की कितनी नोट्स हैं, 2। 10 की 1 2 3 और 1 की 1 एंड 2, तो क्या होगा 200
थ्री टेन्स आ 30 एंड टू वन जा टू, तो 232। नाउ बीड्स 100 के बीड्स कितने हैं? 1। 10 के बीड्स कितने हैं? 2। और 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या कितने बीड्स हो जाएंगे? 125। डी मैचिंग 6767 माइनस 31, तो हम पहले क्या करेंगे? 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 3 3, 3 6 36, तो इसका मैचिंग कहाँ आएगा? यहाँ 409 प्लस 78, तो 8 प्लस 9 17, कैरी 1 1 और 7 8, 487, तो यहाँ पे मैचिंग हो जाएगा यहाँ। 89 माइनस 39, तो 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 3 5 50, तो यहाँ का मैचिंग हो जाएगा यहाँ पे। सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी, तो सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100 प्लस 50, तो 100 प्लस 50 150, तो इसका मैचिंग हो जाएगा यहाँ पे। आई एडिंग 4 इन मे आई स्कोर्ड अ सेंचुरी, अब सेंचुरी का मतलब आपको पता है क्या होता है? 100, तो अब कौन से नंबर में हम 4 ऐड करेंगे कि 100 हो जाए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? अपोजिट करेंगे, 100 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 99 98 97 96, ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 मीटर। तो आप सबको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 850 सेंटीमीटर, तो देखो 8 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। सो डियर किड्स, यू हैव टू कंप्लीट अप टू द क्वेश्चन नंबर 3 इन योर मैथ्स वर्कशीट। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।